मुंबई की एक लैम्बोर्गिनी साहब, ये तो चीज़ है। V4 भी खड़ी है, सर व्हाट डू डू फॉर लिविंग? What's up, my YouTube family? Welcome back to my vlog. कैसे आप सब? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे और मजे ले रहे होंगे अपने अपने घर में। भाई अभी सीन ये है, पहले टाइम दिखा देता हूँ आपको, 7:58 हो रहे हैं, ठीक है। मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है, तो यानी 8:08 हो रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, आज है संडे और संडे को हम वैसे तो राइड पे जाते हैं, बट आज हम राइड पे नहीं जा रहे। आज सीन था सारा कि सारे बंदे अपनी अपनी कार से जाएंगे, बट टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा भाई अगर मैं कार लेके निकला अभी और कहीं जाम में फंस गया तो भाई साहब कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। बाइक से 1% चांस है कि 10-15 मिनट लेट होके मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि अपने को जाना ही बहुत दूर है, छतरपुर जाना है, तो मैं इसीलिए बाइक खींचते हुए निकाल रहा हूं। ऐसे ही हमारे दीप भाई है, दीप भाई ने अपनी कार मॉडिफाई करवाई है, तो फिर आज उनकी कार भी दिखाते हैं आपको और अपने सारे भाइयों से भी मिल लेते हैं एक बार। एक छोटा ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा पहुँचते हैं भाई, क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। बाइक लेकर निकलने का तभी आपको दिख रहा होगा, बाइक वाइक सारी गंदी पड़ी है। और एक और मज़े की बात, अभी अभी भाई झटके मारे बाइक ने, भाई पेट्रोल भी नहीं है बाइक में, बताओ कितना आलसी बंदा हो यार, मैं पेट्रोल भी नहीं डलवाता बाइक में। फुल कर दो भैया जी, देखो बोला फुल कर दो भैया ने, भाई साहब 400 डाल दिया। आप लोग भी मेरे को बताना कभी आप लोगों के साथ ये वाला एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई आपने बोला हो कुछ अमाउंट की 500 का डाल दो, 700 का डाल दो और उन्होंने कम का डाला हो। ये कि मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है और सही है भाई, मेरा ये अच्छा डिसीजन था कि मैंने आज कार नहीं निकाली, बाइक से आ गया, वरना मैं नहीं पहुंच पाता जल्दी, डेफिनेटली नहीं पहुंच पाता, नो डाउट मैं पहुँच ही नहीं पाता जल्दी। रेड ग्रीन होने के बाद भाग के आ गया सामने, वो भी मर जाता, एक बंदा खर्च हो जाता अभी मेरे से। तो भाई पहले ना अपन संडे को, हर संडे को सुबह सुबह राइड पर निकल जाते हैं, जब मैं लॉन्ग राइड नहीं करता था ना तब हम हर संडे कहीं ना कहीं निकल ही जाते थे, दिल्ली के आसपास, दिल्ली गुड़गांव, मतलब कहीं भी कहीं ना कहीं तो निकल ही जाते थे। तब ये R15 वाला भाई देखा ना मैंने, तो मेरे को याद आई अपनी, ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ टाइम पहले की बात है। तो सही है, निकलते थे हम, मज़ा आता था, पर फिर मैंने लॉन्ग राइड शुरू कर दी, तो अब संडे राइड हो रही है, ब्रेकफास्ट राइड करने का मन ही नहीं करता यार, अब दिल्ली घूमने का मन नहीं करता, बेसिकली पहाड़ों की आदत हो गई ना। तो भाई गुड न्यूज़, हमारा ग्रुप अभी तक नहीं आया, हम सबसे पहले आ गए। एक घंटा हो गया है और आज लाइनअप दिखाते हैं पहले। BMW से स्टार्ट हो रहा है लाइनअप, ठीक है, यहाँ पे BMW M3, फिर उसके बाद यहाँ पे मिनी कूपर खड़ी है, उसके बाद खड़ी है यहाँ पे जैगवार और BMW, फिर उस भाई लाइनअप में फिर खड़ी है मुंबई की एक लैम्बोर्गिनी, फिर उसके बाद खड़ी है पोर्श, ये तो भाई एक पूरा घर है 1 BHK का, फिर उसके बाद एक खड़ी है स्कोडा, ठीक है, फिर यहाँ से अपना सारा बाइकों का सिस्टम खड़ा है अपने, यहाँ पे तो अपनी बाइक तो पहचान गई, उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद BMW, फिर उसके बाद R1 एंड रॉयल इनफील्ड, फिर डुगाटी, फिर R1 न्यू वाली, फिर उसके बाद ये सारी यहाँ पे बाइक है, सारी एकदम बढ़िया से एकदम रखा सिस्टम, फिर एक अप्रीला भी है। ओ भाई साहब, लक्ष्मी नगर से क्या नाम है भाई आपका? मनन जैन। आप भाई नाम? संयम जैन। दोनों जैन जैन भाई हैं और दोनों साथ साथ ही आए हैं। और जो गाड़ी मेन जो मैं आपको बता रहा था कि अपने दीप भाई ने रेडी करवाई है, एक बार वो वाली बना था, डलवाते हैं, आ जाओ भाई। तो भाई यहाँ पे Z4 भी खड़ी है जो भाई सब ये तो भाई प्यार से आई है, तो फिर 5 सीरीज भी है एंड पोलो GT जो रैप हो रखी है पूरी बढ़िया से, एंड ये खड़ी भाई अपनी ये जो आज का मेन सिस्टम ये है भाई। यहाँ पे ये अपनी होंडा खड़ी है ब्रियो, और फिर इसको भाई सिस्टम देख रहे हो भाई, टायर देख रहे हो, इसका टायर चेंज है, अलॉय चेंज है एंड रैप चेंज है, तो कार्बन है, मेड इन जापान, और ये जापानीज़ भी लिखी है, और यहाँ अंदर ही तुम्हारे भाई का हेलमेट भी पड़ा हुआ है विद माई GoPro, ठीक है। तो ये दीप भाई की है और मतलब तैयार ऐसे ही करा रखे भाई ने स्पेशली, भाई मैं सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करके ना इसे ही देखने आया हूँ कि मैं भाई क्या तैयार करवा दिया भाई ने, और मतलब एक नंबर लग रही है सीरियसली। एक से साइड में इवॉक भी खड़ी है कन्वर्टेबल, जो मतलब
लिमिटेड एडिशन आया इंडिया में, मतलब लॉन्च हुआ नहीं ज़्यादा और ये ज़्यादा वर्क भी नहीं करा इसने काम इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडिया में लोगों को समझ ही नहीं आया यार ये जो इसकी वैल्यू थी ना, इंडिया वालों ने इसकी कदर करी, ने कदर करी पर कन्वर्टेबल की नहीं करी। मतलब रेंज रोवर ने एक कॉम्पैक्ट अपनी निकाली थी, क्योंकि रेंज रोवर का सब कुछ मतलब ब्रांड वैल्यू अच्छी थी, बट उनको एक लो पावर इंजन चाहिए था और रेंज रोवर का नाम चाहिए था, वो रेंज रोवर ने स्टार्ट करा। इवोक को बहुत प्यार मिला बट कन्वर्टेबल को बहुत ही कम प्यार मिला। आप कभी देखोगे मार्केट में आपको कन्वर्टेबल बहुत ही रेयर दिखेगी। ये अपना ही सिस्टम है, ये जितनी भी ये सारी लाइनें लगी है सुपर वगैरह, ये जितनी भी ये सारा अपना ही सिस्टम है। और आए हुए हैं यहाँ पे ये अब निकलने का टाइम है और हमारी अब सवारी ये है। मैंने बाइक यहीं पे पार्क कर दी क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना था, अच्छी अच्छी फुटेज लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या मैं भाई के साथ चलता हूँ। एंड सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, यहाँ पे लाइनअप दिखाई दिया था, अब खाली हो चुकी है, अभी अपनी थार निकल रही है बाहर। तो भाई यहाँ पे अपनी थार लग चुकी है, यहाँ पे वॉक है, यहाँ पे सारा लाइनअप देख लो आप भाई साहब, एकदम तगड़ा तगड़ा लाइनअप, खतरनाक। किधर चलना, इधर या इधर? सर व्हाट डू फॉर लिविंग? अरे भाई काम देखो अपना। क्या करते हैं सर आप? नो मोर फोटोज, नो मोर फोटोज। ये दूसरों से भात भरवाते हैं। गाइस ये है Z435 आए, ये पुराना वर्जन है, थोड़ा नया वर्जन वहाँ पे खड़ा है, कांगे नया वर्जन, नया वर्जन का वो ब्रियो के पीछे खड़ा है, लेकिन देख लीजिए आप इसको भी देख लीजिए। ब्रो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आई ड्राइव कार्स। इतने पैसे में इतना ही मिलता है, बाकी सुपर चैट करो उसके बाद हम दोबारा पंजा दबा देंगे। क्या 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 दिखा रहे हो भाई बताओ? अरे वाह नहीं आएगा थार में। बाय बाय, टेक केयर, आराम से जाइयो, ठीक है, बाय 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 बाय। तो अब सीन कुछ ऐसा भाई, अब मैं निकल रहा हूँ घर, तो यहाँ से मैं मेट्रो में जाऊँगा, मैंने सेक्टर 58 से मेट्रो लिया, क्योंकि उसका हालत देखो कितना ज़्यादा परेशान हो गया भाई मैं, मतलब थकान हो गई और इतना ट्रैफिक है रोड पे, पता नहीं क्यों है यहाँ पे इतना ट्रैफिक। और अभी हम पहुँचे सुबह, यहाँ मेला लगा हुआ था, अब हमारी बाइक अकेली खड़ी रह गई है, तो ये भी सीन अलग ही होता है। और के साथ में गया था तो उनको थोड़ा सा रुकने का सीन बन गया था गुड़गांव में, और मेरे को आना था क्योंकि सेंटर लेकर जानी है बाइक, तो फिर इसलिए मेरे को आना था। तो भाई मैं मेट्रो में चढ़ा और लिटरली यार कोई भाई मेट्रो में ट्रैवल करते कैसे हैं लोग, इतनी भाई भीड़, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, डब्बा पूरा भरा हुआ है, फिर भी लोग गुजर जा रहे हैं, गेट बंद हो रहा है ज़बरदस्ती बंद, फिर भी आधे लटके हुए हैं गेट पे, फंस रहे हैं लोग लिटरली गेटों में भाई, मेरा तो देख के सीन का क्रैक हो गया, मैं क्या भाई क्या है इतनी भीड़, आज है क्यों?
फिर मेरे को किसी ने बताया भाई आज संडे है, आज संडे को सबकी छुट्टी होती है, फिर सब लोग निकल लेते हैं। तो भाई मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया आज तो, और धूप भी चुभ रही है, तो छाया में खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ। कोई आज का ब्लॉग अच्छा लगा, वैसे मैं कार्स डे में तो आता नहीं हूँ, कार्स मीटअप वगैरह जब ऐसे होते हैं तो, क्योंकि ज़्यादा कारों का शौक़ नहीं है, थोड़ा सा है थोड़ा सा, तो इसलिए आज आ गया मैं वो अपने दीप भाई की BRO देखने के लिए होंडा सीन ये है। अब मैं जा रहा हूँ घर, यहाँ से पहले जाऊँगा सर्विस सेंटर। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी आप बताना कमेंट में कि कार्स वगैरह के हम ब्लॉग बनाएं या ना बनाएं। तो टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।